फ्रेंड्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे बनाए जो वीडियोस हैं आप उनको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, इसी सीरीज में आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है कोर कोर्स की, उसका नाम है विस्टास, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द थर्ड लेवल, जो कि आपके इस साल कोर्स में नहीं है, इसलिए उस चैप्टर को हम शुरू नहीं करेंगे। उसके आगे का चैप्टर नंबर 2 जो है, उसका नाम है द टाइगर किंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट, शीर्षक बाघ राजा, मतलब ऐसा राजा और बाघ का क्या कनेक्शन है, उस इसके आगे चैप्टर में हम समझेंगे। तो आज हम इसकी समरी समझेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जानेंगे ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है कल्की। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो थे, इनका जो जीवन काल था वो था 1899 to 1954 तक, अर्थात ये इन्होंने ब्रिटिशर्स के समय रहे हैं। और ये कैसे पर्सन थे, बहुत ही ह्यूमरस पर्सन थे और सटायर, इनकी जो लैंग्वेज थी सटायरिस्टिक थी, मतलब व्यंगात्मक रूप से अपनी अभिव्यक्ति अपने लेखों में किया करते थे। और जितने भी लेख इन्होंने लगभग लिखे हैं सारे कंटेम्पोरेरी इश्यूज पे लिखे हैं, मतलब उस समय जो तात्कालिक घटनाएं, उनके समकालीन जो घटनाएं हुआ करती थी उनका वर्णन इन्होंने उसमें किया है। डेफिनेटली हम कहें तो हम ये मान सकते हैं कि जो टाइगर हंटिंग जो थी वो एक बहुत बुरी चीज थी, जिसको अनेक राजाओं ने, ब्रिटिश राजाओं ने भी और ब्रिटिशर्स ने भी इसको बहुत बड़े पैमाने पे भारत पे किया, जिसके कारण भारत में टाइगर्स की संख्या कम हो गई। और ये एक बहुत बड़ी इविल है, क्योंकि जो टाइगर है वो हमारे देश का कैसा है, राष्ट्रीय पशु है। इसलिए इसके बारे में एक सैटायरिस्टिक लैंग्वेज में इन्होंने एक कहानी प्रस्तुत की है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। अब हम इसको समझेंगे। टाइगर किंग वास्तव में एक बाघ राजा के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है। ये राजा जो था ये कहाँ रहता था, प्रतिबंधपुरम में रहा करता था। उस समय जब इस राजा का जन्म हुआ, इस राजा को अनेक उपाधियों से जाना जाता था, जैसे कि MAD, CTC, जंग जिलानी, जंग बहादुर, इस प्रकार से अनेक नामों, अनेक बड़ी बड़ी पदवियों से, शत व्याघ्र संहारक, इस प्रकार की उपाधियां इस राजा के नाम को, इस राजा को दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत संक्षिप्त जो नाम था टाइगर किंग, वो इस राजा पे बहुत सूट करता था। लेखक का उद्देश्य ये नहीं है कि वो सिर्फ इसके बारे में ही बताए, लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि इस घटना को इससे जोड़कर, इस कहानी के माध्यम से जोड़ करके वो टाइगर पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार से एक फिक्शन स्टोरी का काम कर रहा है। अब हम यहाँ देखें तो प्रतिबंधपुरम का जो राजा रहता है, जब वो जन्म लेता है तब मात्र 10 दिन के भीतर ही वहां पर क्या होता है, जब उसके जन्म उत्सव मनाया जाता है उस समय वहां ज्योतिषाचार्य इकट्ठे होते हैं। ज्योतिषाचार्य जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उस राजा के बारे में, उस होने नए नवजात शिशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि ये वीरों का वीर, परम योद्धा, चैंपियनों का चैंपियन रहेगा, ये अपने जीवन में किसी भी बात से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आगे कुछ बोलते बोलते ज्योतिषी के जो ओंठ जो है वो रुक जाते हैं, जीव कप मतलब जुबान है वो कपकपाने लगती है, तभी बोला, पूछते हैं कि नहीं नहीं आगे क्यों रुक गए, आज बोलो आप आगे, इसके आगे क्या। तो ज्योतिषी बोलता है कि चूंकि ये जन्म ले चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छा होने के बाद भी इसकी मृत्यु निश्चित होगी। जैसा ही ज्योतिषी ऐसा बोलता है तो वो 10 दिन का जो बालक रहता है वो तुरंत बोल पड़ता है। क्या बोलता है, अरे तुम कहाँ के आ गए, अरे ओ ज्योतिषी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मुझे भी पता है कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा, इसमें कौन सी नई बात तुमने बोल दी, अगर तुम्हें मेरी मृत्यु का कारण बताना चाहते हो तो तुम बता सकते हो। जैसा ही ये 10 दिन का बच्चा वहां बोलता है उस पूरे भवन में, सब लोग क्या हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा जो ढंग से रो नहीं पाता, वो इतने अच्छे शब्द, इतने शुद्ध विचार और इतने अच्छे, इतनी स्पष्टता से अपनी बात रख रहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो ज्योतिषी भी क्या होता है, घबरा जाता है, आश्चर्यचकित होते हुए अपने चश्मे को ऊपर चढ़ाता और ध्यान से उस बालक की तरफ देखता है और बोलता है,
चूंकि इस बालक का जन्म वृष लग्न में हुआ है, बैल लग्न में हुआ है, वृषभ लग्न में इस बालक का जन्म होने के कारण वृष और सिंह एक दूसरे के क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। व्याघ्र और जो बैल है वो एक दूसरे के शत्रु हैं, अतः इसकी जो मृत्यु होगी वो किसके द्वारा होगी, एक बाघ के द्वारा होना सुनिश्चित है, ऐसा ज्योतिषी बोल देता है। अब आगे क्या होता है बच्चों, ज्योतिषी ऐसा बोल के चला जाता है, धीरे धीरे वो बालक क्या होता है, बड़ा होता है, और जैसा कि है कि राजाओं के जो बच्चे जो राजकुमार रहते हैं उस जमाने में कैसे हुआ करते थे, बहुत ही विशिष्ट तरीके से पाले पोसे जाते थे, उनको एक अंग्रेज शिक्षक पढ़ाने आया करता था ताकि उनको अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ चलने का मौका मिल सके। दूसरी बात, उनको बाहर से लाई गई विदेशी गाय का दूध पिलाया जाता था, उनके पहनने ओढ़ने का ढंग भी कैसा होता था, विदेशी रीति रिवाज की तरह उनका किया जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी शासन काल की जो छाप थी वो हमारे राजाओं के मन पे बहुत गहरी थी, और उस समय अंग्रेजी शासन काल का जो चीजें थी उनको बहुत अच्छी मान करके उसको बिल्कुल अंधानुकरण किया जाता था, तो वो बच्चा भी क्या होता, पूरे अंग्रेजी तौर तरीके से वो जो है वो पलने लगता है। धीरे धीरे वो हर कलाओं में कुशल दक्ष हो जाता है, उसको युद्ध कला, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजकाज संभालने के तौर तरीके सब कुछ बहुत अच्छे से आने लगते हैं, अर्थात वो बहुत निपुण हो जाता है। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे फिर बताया जाता है कि धीरे धीरे वो ऐसा समय आता है कि अब वो अपने राजकाज को संभाल सकता है, वो अपने राजा राज्य शासन उसके अधीन आ जाता है, और राज्य शासन अधीन आने के कारण क्या होता है कि वहां पर पूरे दरबारों में सब पूरे जनता में ये बात, जब वो जन्म में 10 दिन का था उस समय की जो बात थी वो पूरी बात अफवाह के तौर पे पूरी जनता उस शासन में फैल जाती, उस राज्य में पूरे सब जगह चर्चा होने लगती है कि अरे इस राजा की मृत्यु तो एक बाघ के द्वारा होना है। धीरे धीरे ये जो बात रहती है, आपको तो मालूम है कि एक बात की 100 बात, जितने मुंह उतनी बात, तो ये बात सब जगह फैलते फैलते कहाँ पहुंचती है, उस टाइगर किंग के पास पहुंचती है। जब उसको ये बात मालूम चलती है अरे मेरी मृत्यु का कारण क्या है, भविष्य में एक व्याघ्र या एक टाइगर मेरे को मारेगा, इससे वो क्या हो जाता है, थोड़ा सोचता है कि क्यों ना, अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए, जब शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आप गाय को भी मार सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी रक्षा के लिए व्याघ्र को मार डालूं, अगर व्याघ्र मेरी मौत का कारण है तो मैं इस व्याघ्र या इस टाइगर को ही मार डालूंगा, मतलब जब व्याघ्र ही नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। ठीक उसी प्रकार से इसने सोच लिया, जिस प्रकार से कंस ने सोचा था कि मैं देवकी के 8 पुत्रों को मार डालूंगा तो मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी, इसी प्रकार से इस टाइगर किंग ने भी सोच लिया। आगे देखें बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिए। इसलिए वो क्या किया उसने, वो गया अपने राज्य में और उसने किसका शिकार किया, वो अपने राज्य में गया और उसने किसका शिकार किया, टाइगर का, उसने एक शेर का शिकार किया, व्याघ्र का शिकार किया और उस व्याघ्र को मार डाला। जब उसने उस व्याघ्र को मार डाला तो उसने क्या किया, उसने पुनः उसी ज्योतिषी को बुलाया। अब वो ज्योतिषी क्या, पहले जैसा नौजवान तो नहीं रह जाएगा, ज्योतिषी क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, तो उसने उस ज्योतिषी को फिर से बुलाया और बोला क्यों, तुमने कहा था कि मेरी मृत्यु इस व्याघ्र के द्वारा होगी, लो मैंने तो व्याघ्र को मार डाला, अब मेरी मृत्यु व्याघ्र से नहीं होगी। तो ज्योतिषी ने क्या कहा होगा, ज्योतिषी ने यह कहा, ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, आपकी मृत्यु, आप 99 टाइगर्स को तो मार सकते हैं, 99 टाइगर्स को आप मार सकते हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, 99 व्याघ्रों को मारने के बाद जो 100वें नंबर का, मतलब 99 टाइगर आप मारेंगे आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप 100वें टाइगर को मारोगे आपकी मृत्यु होना सुनिश्चित हो जाएगी। तो राजा बोलता है ऐसे कैसे, जब मैं 99 को मार लूंगा तो मैं 100वें टाइगर को भी मार लूंगा, और अगर मैंने 100वें टाइगर को मार लिया तब आप क्या करोगे, 100वें टाइगर को यदि मैंने मार लिया तब आप क्या करोगे। तो ज्योतिषी ने कहा मैं अपनी मूछें मुड़ा डालूंगा, मैं अपनी चोटी काट लूंगा, मैं किसी बीमा एजेंट कंपनी में काम करने लगूंगा, मैं ज्योतिषी विद्या छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि 100वें व्याघ्र से आपकी मृत्यु है ये बिल्कुल सत्य है, इसको आप काट नहीं सकते, मैं अपनी मूछ मुड़ा लूंगा, शिखा काट लूंगा,
मैं अपनी सारे काम छोड़ दूंगा ज्योतिषी के, लेकिन मैं बीमा एजेंट बन जाऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा उस ज्योतिषी ने कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो टाइगर किंग था उसने अपने राज्य के जितने भी व्याघ्र थे, जितने भी उसके जंगल में जितने बाघ थे, जितने टाइगर टाइगर थे, उन सबको क्या किया, एक एक करके मार डाला। बहुत सारे बाघों को मारने के बाद क्या हुआ, जैसा कि वहां उस समय का क्षेत्र था कि अंग्रेजी हुकूमत के आगे जितने देसी रियासतें होती थी सब उनके अंडर में चला करती थी, और अंग्रेजों का इतना ज्यादा पहरा था देशी शासकों पर कि देशी शासक भी उनसे डरा सहमे रहते थे। तो उस समय उसके राज्य में एक अंग्रेज आता था। ऐसा जब उस ज्योतिषी ने कहा तो क्या किया, उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। क्या घोषणा करवा दी, कि राजा के अलावा कोई भी राज्य का व्यक्ति जो है, जो भी नागरिक है, वो किसी भी टाइगर को एक पत्थर भी नहीं मारेगा, ना ही उसका शिकार करेगा, ना ही उसको पत्थर मार सकता, मतलब वो उसको टच भी नहीं करेगा, कोई भी व्याघ्र का शिकार या बाघ का शिकार नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, वो टाइगर किंग करेगा, क्योंकि उसको ज्योतिषी की बात याद थी कि उसको 100 टाइगर मारने हैं। ऐसा कह के वो सब में ढिंढोरा पिटवा देता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति राज्य के अधीन कर ली जाएगी। तो लोग डरने लगे कि नहीं भैया, हमको क्या करना, क्यों करें हम टाइगर का शिकार नहीं करते हैं। उसी समय क्या हुआ कि वहां पर अंग्रेजी शासन काल भी चल रहा था उस समय में, तो वहां पर एक दुराय नाम का अंग्रेज अधिकारी आया, जिसको दुराय कहते हैं। ये दुराय आया जब उस शासन में, तो उसकी क्या इच्छा थी, क्योंकि वो भी सब बहुत शांत रहती है उनमें, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, तो उसकी इच्छा थी कि वो बाघ का शिकार करे और उसके साथ क्या खिंचाए, फोटो खिंचवाए। वो हमेशा ऐसा क्यों करता था, सो कॉल्ड शान के कारण, उसकी जो सो कॉल्ड इमेज थी उसके लिए वो क्या करता था, आके बाघ का शिकार करना चाहता था और उसके साथ फोटो खिंचाना चाहता था कि ऐसे देखो हमने टाइगर को मारा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शान की बात हो गई। तो जब ये बात उसके दीवान को पता चलती है टाइगर किंग के, तो दीवान ये बात बताता है कि महाराज आपके राज्य में दुराय अधिकारी आया है और वो आपके राज्य के जो टाइगर है उनको मारना चाहता है और उनके साथ बड़ी ही शान से क्या खिंचाना चाहता है, अपनी फोटो खिंचाना चाहता है। तब राजा क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे संभव है, हम कैसे उसको टाइगर का शिकार करने लें, क्योंकि मुझे तो पहले 100 टाइगर मारना है, जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मारूंगा मैं किसी को भी शिकार करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। तो दीवान फिर समझाता है कि महाराज समझिए आप, अंग्रेजों के शासनकाल चल रहा है, यदि हम अंग्रेजों से बैर मोल ले लेंगे तो हमारा राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। कहते हैं ना कि जो अपने से ज्यादा शक्तिशाली हो उसके साथ बैर मोल नहीं लेना चाहिए, उससे दोस्ताना मित्रता रखना चाहिए। तो जब दीवान उसको समझाता है तो फिर वो राजा सोचता है कि क्या किया जाए, बहुत समय लग जाता है उन लोग को सोचने में कि क्या किया जाए, कैसे हम इस चीज को रोकें। तो फिर दीवान फिर उसको एक खबर आती है कि कोई बात नहीं, राजा अगर शिकार कर ले तो मैं उस मरे टाइगर के सामने भी फोटो खिंचवा लूंगा। ऐसी बात दीवान किसको बताता है, राजा को बताता है। राजा कहता है अगर मैंने एक बार इसको फोटो खिंचाने का मौका दे दिया तो जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं वो सब मेरे राज्य में आएंगे और सब मुझे इसी प्रकार से परेशान करेंगे, तो नहीं, मैं तो आप फोटो भी खिंचाने का मौका नहीं देना चाहता हूँ। अब बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि किया क्या जाए। तो आपस में उन लोग विचार विमर्श करके एक उसका नतीजा निकालते हैं कि क्यों ना हम दुराय की पत्नी जो दुरासनी है, उस दुरासनी को हम क्या करें, अच्छे महंगे महंगे उपहार भेजें। उस उपहार को देख के उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी तो अंग्रेज सब भूल जाएगा और वो शिकारिकार की बात ही नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो फिर क्या किया जाए, तो कलकत्ता के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध जौहरी को खबर भेजी जाती है कि तुम्हारे यहाँ पे जो सबसे अच्छे नायाब जो जेवरात हो उनमें से जो हो वो हमारे पास भेजे जाएं। कलकत्ता का जौहरी भी बड़ा चालाक रहता है, वो क्या करता है कि जो डायमंड रिंग रहती हैं, करीब 50 डायमंड रिंग जो रहती हैं, वो क्या करता है, सब पैक करा करके और राजा के पास भेज देता है। ये देखो ये डायमंड रिंग रखी हुई ना, तो ऐसे ये सारी ऐसी लगभग 50 डायमंड रिंग जो है वो इसको भेज देता है, राजा के पास भेज देता है। अब राजा और दीवान देखते हैं उसमें
सोचते हैं कि कौन सी पसंद करें, तो उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है कि क्या किया जाए। तो क्या करते हैं कि वो सारी की सारी जो 50 डायमंड रिंग का जो बॉक्स रहता है वो किसके पास भेज देते हैं, दुलारे की पत्नी यानी ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी रहती है उसके पास भेज देते हैं। उस पत्नी के पास जब ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास ये तोहफे मिल जाते हैं तो वो भी पत्नी क्या रहती है, उसको एक दो अंगूठियां चूज कर लेना चाहिए और बाकी वापस कर देना चाहिए। तो वो क्या करती है कि पूरी 50 रिंग का जो बॉक्स रहता है इसको पूरा का पूरा रख लेती है और बदले में क्या लिख देती है, पत्र लिखती है, आपके द्वारा भेजे गए उपहारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये घटना हो जाती है। कुछ समय बाद जो कलकत्ता का जौहरी है वो कितने रुपए, 3 लाख रुपए किसको भेजता है, 3 लाख का बिल भेजता है। किस चीज का 3 लाख का बिल भेजता है, ये 50 रिंग के बदले में। राजा को आता है ये बिल, राजा खुशी खुशी वो 3 लाख रुपए जो रहते हैं वो जौहरी को पेमेंट कर देता है और बड़े इत्मीनान से बोलता है कि चलो अच्छा है ना, एक अंग्रेज ऑफिसर से हम दुश्मनी नहीं मोल लेंगे और मैं बाघ का शिकार कर लूंगा। तो मेरे बाघ के शिकार की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अगर मुझे 3 लाख रुपए देना भी पड़े तो कोई बेकार बात नहीं है, मैं बाघों का शिकार करता रहूंगा। और ऐसा कह के वो मामला निपटा देता है। अब आगे क्या होता है बेटा, आगे ये होता है कि बाघ क्या होते हैं, अब कतिबंधपुरम में बाघ बिल्कुल बचते ही नहीं है, पूरे बाघ समाप्त हो जाते हैं। कहाँ चले गए, कौन ले गया, क्या हो गया, एकदम से क्या बाघों ने प्रजनन करना छोड़ दिया कि उनके बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे, आखिर बाघ गए तो गए कहाँ। राजा फिर चिंता में पड़ जाता है, एक एक करके उसने ऐसे 70 बाघ मार लिए रहते हैं, अब क्या करे। तब फिर वो दीवान को बुलाता है, फिर दीवान से चर्चा करता है और क्या बोलता है कि सुनो दीवान, तुम ऐसा काम करो, सबसे पहले जिन देशी राज्यों में बाघ हैं उन बाघों की संख्या पता करो, किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हैं, उस राज्य की जो राजकुमारी होगी उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ।